आज के वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से हम रेडीमेड शर्ट के ऊपर खुद घर पर ही बालों को लगा सकते हैं। ये मेरी रेडीमेड शर्ट है, इसका ये सीधे वाला हिस्सा मैंने ऊपर को रखा है और ये बालू है जो मुझे साथ में मिली है। तो आइए देखते हैं इसको मैं कैसे साथ में अटैच करती होती है। तो सबसे पहले ये शर्ट मैंने बिछा ली है। अब आप ये बाजुओं को सीधे वाले हिस्से से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये दोनों बाजुओं को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब आप इस तरह से बाजू को इसके साथ रख दीजिए। ये जो आपका ओपन वाला पार्ट है ये नीचे आएगा और जुड़ा हुआ पार्ट वो ऊपर जाएगा। इस तरह से दूसरी बाजू को भी रख दीजिए। ये मैंने इसलिए रखा है ताकि हमें ये पता चले कि हमारी बाजू का फ्रंट कौन सा जा रहा है। ये ना हो कि गलती से हम एक बाजू का फ्रंट कर ले और दूसरी बाजू का बैक कर ले। इस तरह से हमारी गलती नहीं होगी। हमें इस तरह से देखिए, ये मैंने दोनों बाजुओं को रख लिया है। अब हम ये जो हमारा फ्रंट में आ रहा है इसको हमने फ्रंट लिख दिया। ध्यान रहे कि मैंने दोनों बाजुओं को सीधा करके रखा है। इस पे भी फ्रंट कर लिया और इस पे भी मैंने फ्रंट लिख लिया दोनों बाजुओं पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो इनके ये जो है हमारे एंड से एंड मिलाते हुए हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये यहाँ से ये हमारा सेंटर है और इस वाली बाजू को भी हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से ये हम इसका सेंटर और दोनों बाजुओं को रखकर इस तरह से सेंटर रखेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे हल्का सा कट दे देंगे। ये हल्का सा कट दे देंगे कि ये हमारा सेंटर है। अब हम बालों को खोलेंगे इस तरह से और ये हमारा जैसे फ्रंट है और फ्रंट वाले पार्ट से रखेंगे इधर। ये हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा जो ये फ्रंट है और इधर ये फ्रंट है, दोनों फ्रंट हमारे एक साइड में आ रहे हैं। उनको हम ऐसे रख लेंगे और ये हम सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इधर से हम ये मिलाते हैं इस तरह से। और इस बाजू में तो मेरे दोनों फ्रंट और बैक एक जैसे कटिंग कर रखी है, लेकिन कुछ कुछ शर्ट्स के साथ जो बाजू आती है उनमें फ्रंट कट किया होता है तो हमें काटने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें हमें फ्रंट की कटिंग अलग से करनी पड़ेगी। तो हम चौक से यहाँ से ऊपर से जो हमारा सेंटर कटिंग और कर देंगे, ये फ्रंट से हम ये थोड़ा सा हम उसी में जैसे कटिंग हो रखी है उसी कटिंग को थोड़ी सी हम नीचे को कर देंगे। इस तरह से भी सीजर को पकड़ के बस आधा इंच के करीब हम कटिंग गहरी करेंगे ये इस तरह से। और जो फ्रंट है हमारा जो ऊपर का सेंटर पार्ट है उसको हम 1.5 इंच के करीब छोड़ देंगे। ये देखो ये हमारा फ्रंट वाली बाजू है जो कि थोड़ी सी हम नीचे बॉटम लेंगे। ये नीचे हमने ये नीचे वाले एंड आपस में मिला दिए हैं और हम ये आ रहा है हमारा 7 इंच। यहाँ पे हम निशान लगा देंगे 7 इंच का। ये हमने 7 इंच का निशान लगा दिया है दोनों बाजुओं पे लगाएंगे हम। हमने जो हमारा ये बंद वाला पार्ट है, खुले वाला पार्ट हमारा ये बाहर की तरफ है। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है सीधे वाले हिस्से से क्या होगा कि जैसे हम ऐसे स्टिच करते हैं ना तो निशान लगाओ तो हमारा बिल्कुल सही से स्टिच हो जाएगा। अब बाजू को सीधा करेंगे और हम
एक इंच की फोल्डिंग पे निशान लगा देंगे इस तरह से। ये ऐसे ही हम दूसरी बाजू पे लगा देंगे। अब हम इसको ऐसे पकड़ के जो हमने ये एक इंच का निशान लगाया है वहां से हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से पकड़ के आप तोड़ सकते हैं ऐसे। तो एकदम से सीधी आपको दिक्कत नहीं आती आती है फिर इस तरह से। ये वाला से फोल्ड हो गया। भैया बाजू को अटैच करते हैं। सबसे पहले आपने ये हमारी जैसे बाजू है इसके ये जो नीचे वाला यहाँ से आपको हल्का सा इस तरह से उधेड़ लेना है। ये दोनों साइड से मैंने उधेड़ लिया है। अब आपने बाजू को देखना है कि कौन सी बाजू, ये आपको ध्यान रखना है कि जो बाजू फ्रंट राइट हैंड साइड वाली बाजू राइट साइड पर लगनी चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड वाली बाजू लेफ्ट हैंड साइड पर लगनी चाहिए। सीधे वाले हिस्से से ही और ऐसे जैसे पहले रख के देखा था ऐसे रख के देखेंगे कि जैसे कि हमारी फ्रंट कट फ्रंट के साथ अटैच हो रहा है। इस मिटीज ये हमारी लेफ्ट साइड वाली बाजू है। इस सेंटर कट को हम यहाँ पे ये बाजू का जो ये वाला पार्ट है जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है सीधे वाली साइड से इस तरह से हम बाजू को रखना है। हमने ये हमने बाजू को इस तरह से रखना है सेंटर पार्ट। ये हमारी शर्ट का आर्म होल का सेंटर और ये हमारी बाजू का सेंटर पार्ट इस तरह से हमने रखा। ये इस तरह से हमने ये हमारा सीधा हिस्सा शर्ट का और ये हमारी बाजू का सीधा हिस्सा इस तरह से हम पहले हम ऐसे स्टिच करेंगे और फिर इसके बाद हम इधर को स्टिच करेंगे। और यहाँ तक स्टिच करते हुए इस तरह से पकड़ते हुए हमें ऐसे स्टिच करते जाना है ऐसे इस तरह से और नीचे हमें आर्म होल तक मिलाते हुए बाजू को स्टिच कर देना है। ये देखें ये बाजू अटैच हो गई है हमारी इस तरह से। ये मैंने पहले इधर से यूं स्टिच किया फिर वापस आकर फिर मैंने बैक साइड से इस तरह से स्टिच किया। ये दोनों साइड से मेरी बाजू हमने जैसे आपको बताया था नीचे का ये जो आर्म्स बॉटम है इसको हमने स्टिच करना है। ये जो हमने एक इंच का लगाया था फोल्डिंग का निशान उसको हम ऐसे हमने पकड़कर इस तरह से और ये अंदर वाले पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। पहले एक फोल्ड किया हमने फिर इस तरह से हमने जो एक इंच का हमारा निशान था उसके ऊपर रखते हुए हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए ऐसे स्ट्रेट हम मशीन से स्टिच कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो ऐसे हेमिंग भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। इस तरह सब दोनों बाजुओं पे नीचे फोल्ड कर देंगे। ये नीचे से बाजू फोल्ड हो चुकी है। अब हमने ये उल्टी साइड से दोनों ऐसे एंड्स को पकड़कर और जो हमने पार्ट उधेड़ा था ये हम यहाँ से लेकर जितना हमें आर्म होल चाहिए उतना आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है और इस निशान से लेकर नीचे तक ये यहाँ तक हमने एक सिलाई लगा देनी है। ये हमने साइड जो हमने खोली थी वो हमने स्टिच कर ली है। अब देखें बाजू हमारी कैसे अटैच हुई है। ये देखिए ये हमारी बाजू बड़ी आसानी से अटैच हो गई है इस तरह से। आप उम्मीद है अब आप सीख गए होंगे कि किस तरह से आप रेडीमेड शर्ट पर खुद ही घर पर बड़ी आसानी से अटैच कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।